नदी तो हमें मिल गई, बहुत ही यानी कि बहुत जोर से बोलो सही है। हाँ। सही है। हाँ। रेड वाला आता है रम के लिए। अच्छा आता है ब्लू वो वाइन के लिए। भैया तो आप आइस के ऑथोराइज डीलर बन जाओ। नहीं, 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 बहुत बिकेगी तो आप प्लीज टेंशन मत लो। यहाँ से जाने के लिए अब हम रेडी है। देखिए सब पैकिंग हो रहा है, हमारा कैंप टेंट नीचे आ गया है और कल्पेश भाई भी अब फाइनल पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे जाएंगे कहाँ पे? बस पास में ही कोई नदी, गर्म पानी का कुंड है, कुंड है वहाँ पे जाएंगे और उसके आगे कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। हमारे दूसरे सदस्य जो ओवरलैंडिंग मीटअप में आए थे वो सारे शायद निकल गए हैं एक के बाद एक, और कुछ लोग हम अभी रुके हैं, थोड़ा एमपी और एक्सप्लोर करते हैं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट स्पॉट। यहाँ पे लोग कह रहे थे कि एमपी में 3 दिनों की स्ट्राइक है, पेट्रोल मिल रहा है लेकिन डीजल नहीं मिल रहा है, तो हम भी अपना लक आजमा रहे है और आगे 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी और कुछ दिन हमें यहाँ रुकना है, घूमना है, तो डीजल चाहिएगा, तो होपफुली हमें डीजल मिल जाए और हम एमपी को और एक्सप्लोर कर सके। दोस्तों लास्ट वाली हमारी कैंप साइट से निकले हम सब लोग जो ओवरलैंडर थे वो सब अपने अपने घर के लिए निकल गए है, कुछ लोग अभी भी यहाँ पे ठहरे हुए है, कुछ लोग आसपास के एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं गर्म पानी का कुंड और वहीं पे कहीं पे सीनिक स्पॉट देख के अपना नाइट स्टे करेंगे। उससे पहले हम अभी पेट पूजा करने जा रहे हैं लंच लेने के लिए। सुना है यहाँ आगे एक ढाबा है, वहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है, तो अभी वहाँ पे सब जा रहे हैं। जो है वो पराठा तंदूरी मिक्स दही अच्छा लगेगा। हाँ हाँ दही 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 मेरा भी। यहाँ का पराठा तंदूरी पराठा वो फेमस है, अच्छा बनाते हैं, तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया है। और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि पालक आलू टमाटर मसाला कढ़ाई वेज, लेकिन हम दही के साथ खाएंगे पराठा। यहाँ पे गर्मा गर्म रबड़ी बन रही है, ताजा ताजा बनाते हैं क्या रोज? अरे वाह, देखिए अभी 10 मिनट में रबड़ी रेडी हो जाएगी। हम ढूंढ रहे हैं कैंपिंग लोकेशन, हम आए एक जगह, ये जो रास्ता दिख रहा है यहीं से, लेकिन बहुत अंदर है, हमें नदी का जो बेड है रिवर बेड वहाँ पे हमें कैंपिंग लोकेशन चाहिए थी, लेकिन नदी काफी दूर है तो हम दूसरी लोकेशन ढूंढेंगे। ये मैप देख के मशक्कत कर रहे हैं कि कहाँ पे कैंपिंग लोकेशन मिलेगा। वैसे यहाँ से सनसेट का व्यू भी बहुत प्यारा था अंदर जाके, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है। ये जो बालाजी बोरवेल करके आता है रास्ता हमें ढूंढना होगा। हम बिल्कुल नदी के किनारे कैंपिंग करना चाहते हैं। अभी हमारे साथ एक फॉर्च्यूनर है, एक फोर्ड है, टेम्पो ट्रैवलर है और हमारी और एक गाड़ी है, एक तो ये सारी गाड़ी एक साथ, कौन सी है? ब्रेजा। ये सारी गाड़ियां रिवर तक जा सके ऐसा कैंपिंग लोकेशन हमें ढूंढना है। जा रहे हैं आगे, अब देखिए ये रास्ता जा रहा है अंदर, एक रास्ता हमने गूगल मैप पे देखा लेकिन पता नहीं ये सीधे नदी तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो किसी को पूछना पड़ेगा। यहाँ शायद पूछ रहे हैं यहाँ पे कि नदी पे रास्ता जाता है कि नहीं जा रहा है,
चलो अब छानबीन अब तक जारी है। शायद ये रास्ता हमें चिरई डोंगरी वाला रास्ता शायद हमें नदी की ओर ले जाएगा। छोटे से गांव में से हम निकल रहे हैं, सब लोग हमें बाहर आके हमें देख रहे हैं। देखिए यह है चिरई डोंगरी गांव। नदी तो हमें मिल गई, बहुत ही यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। अरे वाह, देखिए देखिए क्या सीन है, क्या नजारा है। ये सब लोगों ने अपने अपने कैंपर यहाँ पे लगा दिए है और मैं जरा ये जगह देख के आती हूँ। ये रहा भोलेनाथ का मंदिर। जय भोलेनाथ, नमस्ते। हम अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली से, हम गुजरात से आए हैं। हम नदी किनारे कहीं पे आज रुकना चाहते थे। आप यहाँ पे रहते? नहीं रहते। अच्छा, वाओ, देखिए भैया देखिए। आंटी जी कैसा लगा लोकेशन? अच्छा लग रहा है, पर हमारी सबकी गाड़ी उधर आएगी कि नहीं आएगी? देखो मेरे को इतने इसमें से स्कूटर भी निकाला, देखो। अरे वाह क्या बात है, फोटो आ रही, वीडियो आ रही। देखो हीरोइन ऊपर खड़ी है, बस ध्यान ये रखना है कि मेरा मोबाइल गिर नहीं चाहिए और मोबाइल के साथ में मैं भी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे व्यू अच्छा था, लेकिन हम पार्क नहीं कर सकते थे। रिवर तक सारी गाड़ियां नहीं जा सकती थी, तो हमने डिसाइड किया कि वापस वही जो पहली सनसेट वाली जो जगह थी वहां जाएंगे। नदी तक नहीं जा पाएंगे लेकिन व्यू कम से कम हमें मिलेगा। अभी तक जगह की छानबीन चल रही है। उस जगह जब जो हम गए थे वहाँ नदी तक सेठी साहब की गाड़ी नहीं जा सकती थी और ये लोग भी बाहर खड़े थे और हम अंदर चले गए थे। हम वापस आए और दूसरी जगह गोत रहे, भाई दूसरी जगह ढूंढ रहे, तो काफी मशक वो क्या है कि कई बार गुजराती शब्द आ जाते तो आप प्लीज अटेंशन मत लो। और नया कैंपिंग लोकेशन आजकल तो गांव भी सिटी जैसे होने लगे। ये गांव गांव है ना, असली गांव लग रहा है। खेत खलियान, नदियां, पहाड़, लोग, तालाब, सब कुछ। और लगता है इधर शादी हो रही है। सही, हरे हरे खेत। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी फिल्टर नहीं लगाया, एकदम नेचुरल ग्रीन कलर है।
छोटा सा रास्ता है, यहाँ से हम आगे अपनी शोध जारी है कैंपिंग लोकेशन के लिए। ये देखिए कुंभेश्वर घाट है, ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग है। तो फ्रेंड्स ये जो घाट है वो नर्मदा परिक्रमा जो लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा जो लोग करते हैं उसी रास्ते के बीच में ये घाट आता है, इसलिए यहाँ पे भीड़ है यात्रियों की। और भी आगे मैदान आएगा, हम और भी आगे जाएंगे क्योंकि हमारे साथ और भी गाड़ियाँ हैं। आखिरकार मुझे लगता है यही हमारा फाइनल लोकेशन है। आखिरकार भैया हम ऐसे लोकेशन में पहुंच गए हैं जो हमारे जो सारे टिक मार्क है वो पूरा करते हैं। माय गॉड, देखिए ये है लोकेशन, क्योंकि यहाँ नदी के किनारे थोड़ा मैदान भी है तो सारी गाड़ियाँ भी लग जाएगी। आपकी गाड़ी, ये डॉक्टर कुमार की गाड़ी, पीछे कल्पेश भाई की गाड़ी, कुणाल। देखिए आखिरकार हमें हमारा फाइनल लोकेशन मिल ही गया। देखिए माँ नर्मदा मैया का घाट है, ये पूरा किनारा है और हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई है। ये है हमारा कैंपिंग लोकेशन, सब लोग अब खुश हो गए हैं अच्छी जगह पाके। नहीं, ये गांव का नाम क्या है? चीरी। अच्छा, हम आगे दूसरे गांव में, उसका नाम चीर गोरैया ऐसा कुछ ना, कुमाए वो घाट है जो नर्मदा का, वो ये चीरी है। अच्छा, यहाँ भी नर्मदा परिक्रमा वाला घाट है यहाँ पे। अच्छा, जो माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए जो आते हैं वो यहाँ रुकते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने बोला कुछ आवाज़ निकल रही हो, किसको बुला रहे हो? ये पानी में से कोई शायद निकलने वाला है। सो ब्यूटीफुल, सामने हमारी गाड़ी और भी गाड़ियाँ, रिवर के बैकग्राउंड में अपनी गाड़ी का गोल्डन रिवर का फोटो चाहिए इसलिए हरीश गाड़ी यहाँ तक ले आए हैं। हाय मैडम, भी हाय, कैसे हो? आपका नाम क्या है? अरविंद। अरविंद, यस मैम। क्या पढ़ते हो आप? हेलो अरविंद, कैसे हो? क्या करते हो? सर बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद। सर आप कहाँ से? हम गुजरात से भैया। गुजरात से? हाँ, गांधीनगर। गांधीनगर नाम सुना है? गुजरात का कैपिटल। गुजरात का कैपिटल। क्या देखते हैं आप? तो इनका चैनल पे आप जाओ फिर आपका दिखेगा। आप यूट्यूब में क्या देखते हैं? कोई एक जना बोलो। और हमारे गांव का नाम क्या है? चीरी। हाँ, हमारा गांव है चीरी और हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं भजन कीर्तन की, अभी हमें बजाना शुरू नहीं किया है। सही है ना? ऐसा नहीं, जोर से बोलो, सही है? हाँ। सही है? हमारा कैंप सेटअप हो गया है। ये हमारी गाड़ी गोल्डन ईगल,
ये कल्पेश भाई की फॉर्च्यूनर। अरे वाह, ये सुलक्स की है ना, क्या बात है क्या बात है। गर्मा गर्म चाय रेडी है, लाइए लाइए लाइए, आई नीड दिस, थैंक यू सो मच। क्यों, मैं तो म्यूट, एक बार करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ, चमक रहा है हमारा कैंप। वाह भाई वाह, ये किसके बोतल है, लुकिंग नाइस सुलक्ष भाई, ये विद द फिल्टर बोतल है भाई, बताए क्या है ना, ये अमेज़न से खरीदी थी, इसमें कोई भी रेगुलर कहीं का भी सोर्स का पानी डाल सकते हैं, ड्रेनेज का पेपर नहीं डाल सकते, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं ड्रेन बट नहीं डाल के इनको पिलाओ, रेगुलर मूविंग वाटर है ना, जैसे थोड़ा बहुत मडी वाटर है, नदी का है, कुछ है, आपको पता है कि हैंड ट्रस्ट नहीं है मैं जिसके ऊपर, तो आप वो इसमें डालिए और फिर ऊपर से आप जब इसको सिप इन करेंगे तो वो विस्की भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, और सीधा विस्की आएगा आपके पास। इसके अलग अलग है, जैसे ये ग्रीन वाला विस्की के लिए, जैसे रेड वाला आता है रम के लिए, अच्छा एक आता है ब्लू वो वाइन के लिए। भैया तो आप आइस के ऑथोराइज डीलर बन जाओ, नहीं नहीं, नहीं बहुत बिकेगी, आम पापड़, आम पापड़ आंटी जी लाए हैं हिमाचल से, फ्रॉम हिमाचल, वन पीस फॉर मी, इट्स टू बिग, थैंक यू। कश्मीरी लाल कलर के लिए, अच्छा कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया। स्पेशल सूप बन रहा है, न्यू ईयर, न्यू ईयर स्पेशल, और अच्छा ना बना तो मेरे सिर के बाल सारे रह जाएंगे जो गए। हिंदू आंटी जी के किचन में आज लौकी का सूप बन रहा है, देखिए। अरे वाह, पहली बार हम पियेंगे लौकी का सूप। उसमें और क्या डाल रहे हैं, लौकी और प्याज, लौकी है, प्याज, प्याज है, और अदरक, अदरक, टमाटर, टमाटर, कैरेट, कैरेट, छीन लो। थैंक यू, सूप इज रेडी, यमी यमी, पता नहीं यमी है कि नहीं आप। नहीं, नहीं नहीं, आपने जितने मसाले डाले ना इसमें, इसकी ताकत है यमी नहीं हो जाए, मार खाएगा तो, और क्या, या हम खा जाएंगे इसे।